जो भी हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, मल्टी स्टोरी जो अपार्टमेंट बनते हैं उस पर इस तरीके का कॉलम का, इसको बोलते हैं शेयर वॉल बोलते हैं। कॉलम तो हमारा ये हो गया, सामने दिख रहा है, ये हो गया शेयर वॉल। शेयर वॉल इस तरीके से दिया जाता है और शटरिंग इसकी प्रॉपर की जाती है जो कि इसमें, और ये 9 इंच का है, 230 mm का। सिकंजा भी मारा गया इसमें सपोर्टिंग के लिए, 2 मीटर 400 का। इसमें सपोर्टिंग आपको इस तरीके से देना है, ये जो दिख रहा है सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं वेल्डर। ये जो होता है लोहे का रहता है टाइरोड के द्वारा, इसको बोलते हैं टाइरोड। ये रहता है 16 mm का, इस पर 2 नट रहता है, इसको बोलते हैं विंग नट। इन नट को बोलते हैं विंग नट। ये सबसे सपोर्टिंग के लिए इसमें लगाया जाता है इस तरीके से। इसमें ये दूर से देख पा रहे हैं, सबसे पहले लगाया नीचे 1 2 3 4, और ऊपर का जो है हमारा गोगो नट से टाइट किए, गोगो नट बोलते हैं इसको। ये 20 में भी एक लगाया गया है। जब शटरिंग हो जाए तो आपको इस पर जो साहुल करके सपोर्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे जो हमने लगाया जैक पाइप से सपोर्ट लगाया है यहाँ पे 1 2 3 साहुल करने के बाद, और जब कास्टिंग हो जाएगी आप कास्टिंग होने के बाद भी आपको एक बार साहुल करके जैक पाइप से जिधर भी साहुल में थोड़ा जो मूव करना है वो आप भी जैक पाइप मदद से आगे पीछे। जो कॉलम है, जो हमारा कॉलम है, कॉलम जो है कंप्रेसिव लोड और एक्सियल लोड को कैरी करता है, और जो शेयर वॉल है वो हमारा लेटरल विंड लोड, अर्थ क्विक लोड, विंग लोड और अर्थ क्विक लोड को बियर कर सी। शेयर वॉल की जो विड्थ होती है, चौड़ाई जो होती है वो कॉलम के पे, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो 2.4 मीटर का है ये वाला जो है, और हाइट जो रहती है जो नॉर्मल जो बिल्डिंग की हाइट रहती है 3 मीटर, 2.7 मीटर। इस तरीके से विंड लोड को कैरी करता है, अर्थ क्विक लोड को कैरी करता है शेयर वॉल। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग है जो कि 10 मंजिल जाना है, उस पे अगर एक साइड से इस तरीके से ये वाली मान लो शेयर वॉल है आपकी जो यहाँ पे दिख रही है, ये मान लो शेयर वॉल है। अब इस तरफ से इसमें फोर्स लग रहा है तो ये इस तरफ होना चाहिए, यहाँ पे बैंड होना चाहिए इस तरीके से, मगर ये आरसीसी मेंबर है इसका नहीं हो पाएगी। और उसी जगह में हमारा यहाँ पर जो है इस तरीके से फोर्स लग रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है बिल्डिंग की, इस पर जो विंड का प्रेशर है वो भी बढ़ता जाता है उसी तरीके से ही। तो यहाँ पे क्या है, ये मान लो ब्रिक है, इस पर मान लो इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो ये क्या है आसानी से इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी। जो हाई राइज बिल्डिंग होते हैं या अपार्टमेंट होते हैं जो कि बहुत 10 मंजिल 15 मंजिल जो ऊपर तक जाते हैं, उस पर शेयर वॉल का यूज़ किया जाता है जो कि हमारा लेटरल फोर्स को बियर करता है।